अस्सलामु अलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी डिफरेंट स्टाइल की बिरयानी जिसका नाम है अफगानी चिकन बिरयानी। बहुत ही मजेदार, झटपट घर के हाजिर मसालों से बन जाती है। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट की। ये साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 750 से 800 ग्राम चिकन है, हड्डियों के साथ है, बड़े बड़े पीसेस मैंने करवाए थे। और इसमें इस तरीके से स्लिट मार लीजिए, लेकिन उससे पहले चर्बी निकाल के 2-3 पानी से धो के नितारने के बाद इसे इस तरीके से स्लिट मारिएगा। उलट पलट दोनों और स्लिट मार कर साइड पर रख दीजिए। अब यहाँ पर ये 2 मीडियम साइज की प्याज है, इसे मोटा मोटा काट लिया है। 1 मुट्ठी कोथमीर यानी कि हरा धनिया है, 6-8 हरी मिर्ची, हरी मिर्ची अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा, 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का है, 10-12 लहसुन है, छोटे छोटे थी तो आप बड़े बड़े कलियां हो तो साथ ही लीजिएगा 7-8। और यहाँ पर मैंने काजू लिए, तकरीबन छोटे छोटे थे तो 27-28 पीस मैंने काजू लिए हैं। आपके बड़े बड़े हो तो आप 12-13 या 15 काजू लीजिएगा। आपको ज़्यादा काजू डालना है तो बेशक डाल सकते हैं। हाँ अच्छा, ये सारी चीज़ों को एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर बहुत अच्छा बारीक पीस लीजिए इस तरीके से, और इसे साइड पर रखिए। ये जो धोई हुई चिकन है इसमें अभी ये सारा मिक्सचर डाल दीजिए अच्छे से, जो भी मिक्सर जार के अंदर लगा हो वो भी निकाल कर डाल दीजिएगा। अब इसमें डाल दीजिए 3/4 कप से थोड़ा ज़्यादा लेकिन 1 कप से कम दही डाली मैंने, 1 छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर और 1 या 1.5 छोटा चम्मच नींबू का रस। अब ये मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चिकन को ढक कर मैरिनेट करने फ्रिज के अंदर 1 घंटा या 2 घंटे के लिए रख दीजिए। बेटर ये होगा कि आपके पास समय हो तो ओवरनाइट रख दीजिएगा, मेरे पास समय नहीं है तो मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए इसे मैरिनेट कर रही हूँ। अब 1-1.5 घंटे के बाद ना ये जो चिकन पीसेस है उसमें से जो हल्का हल्का जो मसाला जो भी लगा हो ना वो हटा दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना मसाला जल जाएगा, कोई मतलब का तो रहेगा नहीं। तो ये देखिए, ये मैंने सारा निकाल लिया और साइड पर रखा। अब एक फ्राई पैन या फिर कढ़ाई के अंदर मैं कर रही हूँ, तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ थोड़े से काजू डाल रही हूँ और इसे काजू डालने के बाद समझिए ना 1/2-1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। जब काजू अच्छे से फ्राई हो जाए तो मैं किशमिश डाल देती हूँ थोड़े से, और किशमिश भी डाल के समझिए ना 6-7 सेकंड ही फ्राई करूंगी, और क्विकली इस दोनों को नितार कर एक प्लेट में साइड पर रख दीजिए। वही गरम तेल के अंदर चिकन के पीसेस, जो भी मसाला अभी भी आप देख सकते हैं, मैं अभी भी निकाल निकाल के डाल रही हूँ, चिकन पीसेस डाल दीजिए। चूल्हा मीडियम पर ही रखिए और मीडियम पर ही पकने दीजिए तकरीबन 7.5 से 8 मिनट तक। उलट पलट करते जाएं, दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे तो इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए प्लेट में। इसी तरीके से बैचेस में फ्राई कर लीजिए। देखिए गहरे स्पॉट्स आ गए ना, 7-8 मिनट हो गए। चूल्हा मीडियम पर ही रखिएगा, नहीं तो पानी छूट जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, पानी छूटने नहीं देना है इनका। चलिए, मैंने 2 बैचेस में फ्राई कर लिया और इन दोनों को मैंने इस तरीके से निकाल लिया प्लेट में, और ये रहे बन गई हमारी चिकन। क्योंकि बाय दिस टाइम ऑल द मोस्ट समझिए ना 90-95% चिकन गल गई है। अब बस 2 थोड़ी सी रहेगी, वो हम दम पे गला लेंगे हमारी चिकन को। अब जिस पतीली में मैं भगार रही हूँ बिरयानी, उसी में ही मैं वो जो चिकन का जो ऑयल है वो डाली हूँ। थोड़ा सा और ज़्यादा तेल चाहिए तो डाल दीजिएगा मेरी तरह बेशक। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और ये जो हमने मसाला बनाकर साइड पर रखा था, बस अब इसका टाइम आ गया, इसे डाल दीजिए कढ़ाई या पतीली जिसके अंदर भी आप बना रहे हैं, उसका चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसे पकने दीजिए। थोड़ा सा मैंने पानी चलाकर डाला है, तकरीबन 3-4 चम्मच जितना, टेबलस्पून जितना, और इसे बार बार चलाते हुए मीडियम आंच पर तकरीबन समझिए ना 4 से 5 मिनट पकने दीजिए, सो दैट इसका जो कच्चापन है मसाले का भुना जाएगा और तेल जब छूटने लगे इस कदर, ये देख सकते हैं आप तेल ऊपर आ चुका है। तो अब मैं डाल देती हूँ 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए इस कदर, और नमक अगर आपको कम लगे तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। चूल्हा जब बंद कर दें तो 1/4 कप जितनी मलाई डाल दीजिए, मैंने बाजार की ली है, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आप चाहें तो नमक वगैरह भी एडजस्ट कर लीजिए। मैंने 2-5 मिनट इसे ऐसे ही रहने दिया सो दैट थोड़ा सा थिक हो जाएगा ना, जब हल्का ठंडा रूम टेम्परेचर पर आता है, तो बस उसी का वेट कर रही थी। 2-5 मिनट के बाद जब हल्का ठंडा हो गया तो यहाँ जो चिकन पीसेज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये सारे पीसेज लगा दीजिए नीचे, और जो भी मसाला वगैरह या कुछ हो आपकी प्लेट के अंदर तेल वगैरह वो भी इसमें डाल दीजिएगा इस तरीके से।
अब जो काजू और किशमिश हमने फ्राई करके रखी है ये भी ऑल ओवर डाल दीजिए चिकन पीसेस के ऊपर इस तरीके से। और अब यहाँ पर ये है कि आप चाहें मेरी तरह तो आप हरी मिर्चियाँ स्लिट मार मार के डाल दीजिए तीन चार बड़ी बड़ी सी, लेकिन अब मेरे पास तो छोटी हैं तो मैं दो तीन डाल रही हूँ, मैं ज़्यादा उतना स्पाइस खाते भी नहीं है हम, लेकिन आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। और अगर आपका ज़्यादा स्पाइसी ऑलरेडी है तो मिर्चियाँ स्किप कर दीजिएगा। मैंने खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाला है और बिरिस्ता डाल दिया ऊपर से, उससे भी टेस्ट अच्छा लगता है। ये है तकरीबन बॉइल करे हुए 90-95% पके हुए बासमती चावल हैं, ये तकरीबन समझे ना 600 ग्राम चावल है ये। इसको अच्छे से फैला दीजिए, इसके ऊपर यहाँ पर मैंने 3/4 कप जितना दूध डाल दिया, दूध से बेटर रहता है, अच्छे फ्लफी होते हैं चावल। आपको दूध नहीं डालना है तो आप पानी डाल सकते हैं। मैंने थोड़े से दूध में जाफरान को डाल के रखा था तो वो भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, ये रहा, आप स्किप कर सकते हैं आपके पास जाफरान ना हो तो। अच्छा यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ी ही डाल रही हूँ। अब खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया और बढ़िया से मज़ेदार से जो बिरिस्ता है वो सारा इसके ऊपर इस तरीके से इस कदर डाल दीजिए ऑल ओवर। अच्छा हमने जो साइड पर थोड़े से मैंने रख दी थी काजू और किशमिश, आधे ही डाले मैंने चिकन के ऊपर और ये आधे रख दी थी, तो ये भी चारों ओर यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद चारों ओर है ना मैं 2-3 टेबलस्पून जितना असली घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो टोटली वो वाला तेल या घी का स्टेप भी स्किप कर सकते हैं। अब अगर आपकी पतीली मोटी है तो आप इसे ढक कर कुछ वजन रख के नीचे चूल्हा चालू कर दीजिए और स्लो आंच पर तकरीबन 15-20 मिनट पकने दीजिए। अब मेरी पतीली जो है थोड़ी सी पतली है तो मैंने नीचे तवा, गरम वाला तवा रखा है, गरम कर लिया था पहले से और अच्छा गरम हो गया तो मैंने नीचे रख दिया पतीली, फिर से उसके ऊपर रख कर इसे ढक कर वजन रख कर स्लो आंच पर तकरीबन मैं इसे 20 मिनट पकने दूंगी। चलिए 20 मिनट हो गई, अच्छी भाप फूट रही है। सबसे पहले तो मैंने चूल्हा कर दिया बंद, तवे को हटा के मैंने साइड पर रख दिया था कि नीचे मसाला ना छिटक जाए, और इसे 10 मिनट ऐसे ही रहने दिया। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैं ये खोल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितनी बढ़िया मज़ेदार सी लग रही है हमारी अफगानी चिकन, मसाला लगी हुई, हल्के हल्के मसाले लगे हुए और नहीं बिल्कुल भी नीचे चिटकी नहीं है क्योंकि मैंने तवा नीचे रखा था ना, तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लगी है। मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया, हमारी अफगानी चिकन बिरयानी सर्व करने के लिए रेडी है। अच्छा अब यहाँ मैंने मिर्चियाँ जो हैं हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डाली हैं, आप अपने स्वाद अनुसार स्पाइस बढ़ा भी सकते हैं। तो है ना मजेदार रेसिपी, अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं मेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए ये वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाले वीडियो के लिंक्स फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। सो फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।